तो हमारी जनता बर्फ ले आए हैं। इधर देखो एक बार, इधर ही लगा लो। बस इधर ही लगा लो। ग्रिप मिल जाएगी। यहाँ तो ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। अब आई हैव नो आइडिया। भैया ऊपर तक बर्फ है? ऊपर तक ज्यादा बर्फ है? बहुत ज्यादा है। चलो बाहर का व्यू देखें जरा। तो ये है नजारा। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक। माई नेम इज अनिरुद्ध, यू आर वॉचिंग रुद्र शूट्स। और आज हम हैं सुरु में, सुरु वैली में रुके हुए हैं, जो आपका थोड़ा सा रेकोंगपियो से पहले पड़ता है, क्योंकि कल रात में हम लेट हो गए थे, आगे पहुंच नहीं पाए। और थोड़ा सा लोकल्स ने बोला कि आगे आप मत जाओ, सेफ नहीं है, तो हमने यहाँ पे स्टॉप ले लिया। एंड लुक एट दिस व्यू। तो व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से, मतलब आपको चारों तरफ जो है ग्लेशियर मिलेंगे, और बीच में थोड़ा सा रॉ वाली फील आने लग गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम जो है इस समय वो खुल गया है। तो अब मौसम खुल गया तो शायद देखो हम नाकों तक ऊपर, अगर कटर लग जाए या मशीन्स जो है काम करें तो शायद हम ऊपर तक जा सकते हैं। तो सामान वामान बाइक पे लगाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। बाय बाय बाय। आज का सफर हमने कर लिया है शुरू, और आज साढ़े ग्यारह के आसपास का टाइम है, 12 से थोड़ा पहले। तो क्योंकि हमें कल अल्टीमेटम रात में मिल गया था, आपने पिछला व्लॉग देख लिया होगा कि आगे आप अगर जाएंगे तो शायद आप आगे तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा है। देवभूमि किन्नौर में आपका स्वागत है। तो ये यहाँ से शुरू हो गया किन्नौर। अब जो है आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से जो गेटवे बनता है, गेटवे टू किन्नौर वैली, वो यहाँ बनेगा, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन हर सीज़न का एक अलग मज़ा होता है। ऊपर देखो कितना बढ़िया स्नो लग रही है, स्नो वो जा रही है आगे गाड़ी। और ये एज देखो, ये कटाव देख रहे हो, ये जो पूरा रास्ता है ना किन्नौर वैली का, ये मतलब पत्थरों को काट के बनाया। ये जो रीजन है, ये जो पत्थर है ऊपर को अगर आप देखोगे, देखो ये थोड़े से रिस्की भी है। तो इसीलिए कल जब हम निकल रहे थे, और पिछली बार भी जब मैं स्पीति आया था मानसून में, तो दोनों टाइम लोकल्स ने ये बोला था कि सर आप रात में यहाँ से मत जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ऊपर से पत्थर कब आ जाए, कब क्या हो जाए। तो ये दिख रहा है ना एकदम ऊंचा सा, ऊपर से भी पत्थर गिरते हैं। ओहो ये देखो। तो अगर आपने अपना व्हीकल वॉश करना है तो यहाँ लगा सकते हो आप, बोल दो अभी तो पानी भरा जा रहा है। तो ये देखो आ गया है किन्नौर का गेटवे, इसकी बात कर रहे थे हम। तो ये जो देख रहे हो ना, ये गेटवे ऑफ किन्नौर है। तो भैया आपका नाम? रवि टॉरस। मेरा रवि टॉरस। आपका भैया? आशीष नाम। आशीष, तो ये दो भाई लोग हैं। कल ना आपने रात की वीडियो, मतलब पिछला ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो उन लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी, हमने कहा ब्रेक मार दी ना उन्होंने। हाँ, उन्होंने ब्रेक मार दी। आप गड्ढे में कैसे रुकते हो भाई? हाँ, तो वही इस वजह से वेट था हमारे पास, हम रुक नहीं पाए। और ये देखो किन्नौर वाला कट अभी भी हमने क्रॉस नहीं किया, यहाँ से कुछ अराउंड, ये देखो पत्थर, ये देख रहे हो ये पत्थर ऊपर से गिरे। इन्हीं पत्थरों के लिए वो बोल रहे थे हमें रात में कि मत जाओ आप, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, किसी को पता नहीं कि कितनी हाइट है इसकी।
देखो होए 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 होए, पीछे देखो पहाड़ देखो, अंकित भाई को देखो वहाँ खड़े हुए। हमने कहा यार इतना प्यारी हवा चल रही है ना, तो क्यों ना यहाँ पे रुक के थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। तो भाई लोगों सामने देखो पहाड़ पे इतने सारे पैटर्न दिख रहे हैं, ये तो अभी छोटे हैं आपको ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन खाप संगम के पास जब आप पहुँचोगे ना वहाँ पे सेम ऐसी लाइन है, ड्रैगन लाइंस जैसे होती है ना, और इस स्पीति में वहाँ पे है और भी शायद ऊपर जाके एक दो जगह मिलते हैं। अभी तो खैर बर्फ़ ज़्यादा होगी तो पता, ये पैटर्न अगर आप लोगों को पता है कि किस वजह से क्या फॉर्मेशन क्यों होता है तो कमेंट करके बताना भाई लोगों। वैसे तो देखो यहाँ से पत्थर गिरे हैं टूट के नीचे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। भाई भेड़े देखो कितनी सारी, ओ क्या कर रही हैं, क्या हो गया, ये आ गया शूटिंग स्टोन जोन जो है ना बीच में पड़ेगा, अभी यहाँ पत्थर उत्थर गिरते हैं। अब जो है ना ये रास्ता एक्चुअल स्टार्ट हो गया रिकोंगपियो के लिए, जहाँ राइट में आपका ये चलता है वैली, हाँ बहुत अच्छा रोड है वो। देखो आगे दिख रहा है बर्फ़, देखो उससे पता चल रहा है आगे की मंजर क्या है, रिकोंगपियो में क्या है। चितकुल सारा वही साइड है, जो पहाड़ी है ना, तो चितकुल में बहुत बुरा हाल होगा अभी। तो टाइम अभी हो रहा है 2:30 बज रहे हैं अभी, और आज हमने थोड़ा सा ठीक खींच लिया, ऑल्दो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी, डिस्टेंस कमी थी, बट जहाँ तक जाना था, लेंथ लंबाई ज़्यादा नहीं खींची हमने, लेकिन जहाँ तक जाना था वो चीज़ सही खींची। करचम वांग 2 1045 मेगावाट। तो आगे एक डैम आएगा राइट साइड में, 1045 मेगावाट की प्रोडक्शन करता है। सो गाइस स्नो हो गई शुरू, जिसका हमें थोड़ा थोड़ा डर था वो शुरू हो गई। अब ना प्रॉब्लम ये है कि रास्ता चढ़ेगा, एलिवेशन भी है ऊपर, और हो सकता है हमें ना ऐसी जगह मिले जहाँ टायर वायर भी स्लिप मारे। साइड में देखो ये ब्लैक आइस भी जम रखी है, देख रहे हो, ये देखो बीच में ये ब्लैक आइस भी, ये स्पॉट्स हैं। ओए होए देखो कितनी बढ़ने लग गई है यार, कितनी बढ़ने लग गई है ना भाई, एकदम से बढ़ रही है भाजी, बहुत सुंदर लग रही है देखने में यार। आगे क्लीन है रोड, यार जगह है पीछे करके। तो हमारी जनता बर्फ ले आए हैं, भर भर के बर्फ ले आए हैं। साजी इधर देखो एक बार, भाजी बर्फ ले आए होए होए, कितनी बर्फ है जनता, कितनी बर्फ है, देखो इतना बड़ा पीस ऐसे ही उठ के चलाया, मतलब समझ रहे हो कितनी ठंड है कि ये पूरा पीस ही निकल रहा है, टूट नहीं रहा है, देखो ऐसा उठाओगे ऐसे ही आ जाएगा, क्या बात है भाजी। ऐसे ले चले क्या, क्राउन दे दें अपनी राइनो को, ले भाई तेरा क्राउन भाजी, क्राउन दे दिया मैंने बाइक को, देख रहे हो इट्स फॉर यू माय लव, इट्स फॉर यू, जाओ। ओहो भाई आगे रास्ता है ना वैसे, भाजी आगे देखते चलना दूर का, दूर तक तो देख ही रहा हूं, जहां पर तीन नहीं होंगे वहां पर हाँ। हम बन जाएंगे स्नेक पबजी वाले पबजी वाले स्नेक देखो व्हीकल्स देखो कैसे दबे हुए दिख रहे हैं राइट में, और ये पानी कहाँ, बर्फ पिघल रही है क्या ऊपर। ट्रैवलर देखो ये भी जा रहा है, अभी इसको देख के थोड़ी हिम्मत बन गई हमारी, क्या पता आगे मतलब मिल जाए। मेरे को लगता है यहाँ स्टे करेगा ये, नाको तो नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, रुकेंगे। तो ये नीचे जो रूट है वो जा रहा है स्पीति के लिए, ये जा रहा है ऊपर काल्पा, और हमें लोकल्स ने बोला था काल्पा ही चले जाना आप, क्योंकि काल्पा तक तो शायद जा पाओगे, लेकिन विंटर स्पीति के लिए जो आप आगे काजा का रूट पकड़ोगे तो वो तो आप मान के चलो बहुत बर्फ़ है, स्नो चाहिए, आप फिसलोगे स्लिप भी होगे। अब हो गया है रिस्की रास्ता थोड़ा, होए 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 क्या चमक है भाजी, मैं तो कह रहा हूँ एक रूम लेके चलते हैं फिर उसके बाद बाहर घूमने। बहुत ज़्यादा है क्या, ओ पैर नीचे रख लो, दोनों 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 बतिया बच गया बतिया पाजी। आगे जाता है क्या, राइट से निकाल लूँ मैं, जगह है, धीमे 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 चलते रहो, आराम से आराम से आराम से, ले लो ले लो, बढ़िया बढ़िया, बस आ रही है बस आ रही है, बस दबा लो लेफ्ट, बहुत सही।
भाई वापसी में मजा आएगा पाजी यहाँ से तो तो फिर भी काफ़ी अच्छा है। पता है हम लोग ना गाइस इतना खौफ खाए हुए हैं नारकंडा वाली बर्फ़ का कि हम ना बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा चाह रहे हैं कि आ गया राइट से आ गया मैं हम बिल्कुल गलती नहीं करना चाह रहे हैं। ऑल्दो ये है कुछ ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा भयंकर भी हो सकता है। अब इसको साइड में लगा लो इधर ही ऊपर। इधर ही लगा लो। बस इधर ही लगा लो। हो आगे इधर ना रूम पता करते हैं। रूम पता करते हैं। ऊपर देखो रूम दिख रहा है मेरे को। थैंक यू भैया। ये तो देखो बड़े प्यार से निकल रही है, देख रहे हो। मुश्किल है, निकलेगी ऊपर से जाएगी, यहीं से जाएगी तो ऊपर से राइट में रहना बस, ठीक है। उधर से निकल, ओहो रुको रुको रुको, थैंक यू भाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो रहा है आऊं, कह रहा है थोड़ा सा आगे और है, थोड़ा सा आगे देखना है कितना और है। भाजी गाड़ी है नहीं आई, वही फंसे हो। ग्रिप मिल जाएगी यहाँ तो ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। आई हैव नो आइडिया, देखा मैं स्लिप मार रहा हूँ। आगे भी है और है अभी, होए होए कितने प्यारे बच्चे। क्या सीन है ऊपर, रुको फिसल रही है। आ रहा हूँ भैया, ऊपर तक बर्फ है, ऊपर तक ज्यादा बर्फ है, बहुत ज्यादा है यही यही है ना बस, ठीक है भैया। तरीका है एक जाने का ऊपर, मोमेंटम लो और जहाँ बर्फ है छोड़ दो। पर मुझे नहीं पता आपका लोअर एंड पे चलेगा या नहीं, मेरे में काम कर रहा है। अच्छी रुक गए हो क्या, ज़्यादा है वहीं ले जा रहे हो ना। हाँ भाई लोगों देखो बहुत गंदा हाल है, ओहो हो देख रहे हो आप पीछे इसके पूरा व्यू है इधर। अगर मैं दिखाऊं कल्पा में अभी हम खड़े हैं, ये देखो
तो अभी हुआ ये है कि बाइक जो है मेरी, वही वाला इशू जो आया था इस ट्रिप से पहले, वही वापस आ रहा है। ये शांति होम स्टे मुझे एक दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ नीचे जाके एक बार बात बात कर लूँ इनसे, अगर ये ओपन है। क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ बाइक में हो क्या रहा है। देखो ये ऑन किया, बंद बंद, देख रहे हो। और अगर इसको चलाना है तो आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। वाह, तो कुछ ऐसा है रूम। अब बाहर का व्यू चेकआउट करो एक बार, ये देखो। ओए होए होए, तो ये क्या कहते हैं भैया इसको? चिलगोजा। चिलगोजा सिर्फ यहीं पे, मतलब बहुत लिमिटेड जगह आप बता रहे हो, कम कम अफगानिस्तान के काबुल में मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, अफगानिस्तान काबुल में, तो फिर बहुत, मतलब बहुत कम कम जगह है। हाँ जी, यहाँ से सिर्फ दिल्ली भेजते हैं। क्या बात है, तो ये आप ही का है? यहाँ से मेरे दादाजी का हमारे। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। और ये देखो भैया ने एकदम पुरानी वाली बाइक भी रखी हुई है संभाल के, RX 135 यामा। तो भाई लोगों आपको क्या बताऊँ, ये देखो ये पानी आ रहा है यहाँ पे, ये भी जम जाएगा थोड़ी देर में। टेम्परेचर तो यहाँ पे ठीक है, इतना नहीं है, लेकिन अभी हमने सोचा है कि चलते हैं नीचे, क्योंकि जूते और लोअर देखो गंदा है, तो क्यों ना इसको साफ करके आए। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा स्मेल है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो ये सीन है, चेंज वेंज कर लिया है, अभी हम सोच रहे हैं नीचे कहीं चले जाएँ, कुछ तो कंटेंट बनाते हैं आपके लिए। देखो देखो पूरा नीचे घुस रहा है, देखो कितनी गहराई है। ओहो, और उधर पीछे देखो ज़रा क्या प्यारा सनसेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। इतनी तो गुलमर्ग में नहीं देखी मैंने, हॉल तो गुलमर्ग में यहाँ से ज्यादा होगी। क्या बात है, जगह देखो। ये देखो यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, देखो कैसे पैक हो रखी हैं। तो अभी हमने सोचा था कि रूम पे जाएंगे, पर अंकित भाई कह रहे हैं आगे चलते हैं, टहलते टहलते कुछ खाने पीने को मिल गया तो खा भी लेंगे। अब हालत देख रहे हो आप, कितनी बर्फ है यहाँ, तो भाई हम नहीं ला पाते कभी। तो मैं और भाई चल रहे हैं आगे, थोड़ा सा मार्केट है इधर, हम सोच रहे हैं ये ऊपर जाके कुछ खा भी ले। लेकिन ये नज़ारा देखो, मैंने कहा यार सुबह पता नहीं हम यहाँ आए ना आए, अरे आपको दिखा दूं बर्फ का लेवल क्या है यार। ओहो अरे भाई साहब कुछ नहीं आता। तो ये एक्चुअली फॉसिल यहाँ पे था, और पता है कैसे मिला? ये बिलाल भाई, वो ये ट्रैवलर हमारे सामने ही चल रही थी, याद है मैंने आपको वीडियो में दिखाया था हम जो शूट कर रहे थे, तो ये उसमें थे। तो इन्होंने हमें बोला आ जाओ थोड़ी देर, हम लोग बैठते हैं सारे, तब तक इसको रख देता हूँ मैं। सो पीपल, ये सारे लोग वही हैं जो हमें ट्रैवलर में मिल रहे थे, आगे साथ साथ चल रहे थे हम लोग, जब डिस्कस कर रहे थे बिलाल भाई वही हैं, एंड वी आर हियर। हमने एक्चुअली क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ, हम जब निकले थे वहाँ से हमने ये डिसाइड किया था हम ट्रैवलर के पीछे पीछे चलते तो हमें रूट मिल जाएगा कि कहाँ पे होम स्टे है, और लकीली वी एंडेड अप हियर, तो सारे लोग यहीं पे आ गए। तो ये लगा हुआ हीटर, तो ये बेसिकली जो ओनर है उनका घर है, घर का रूम है छोटा सा, यहाँ बैठ के खाएंगे खाना। वाओ, पर्क्स ऑफ हैविंग होम स्टे। भाई लोगों थाली आ गई है, आज चावल खा ले क्या भाजी, क्या बोलते हो? खा लेते हैं चलो। तो ये देखो होम स्टे में मस्त खाना दीदी ने बना के दिया अभी, ओए होए होए होए, रोटियां भी आ रही हैं, एकदम सिंपल खाना। और ये हमारी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, बहुत मस्त गरम गरम लग रहा है खाना एकदम। ओए होए, पाजी का भी आ गया गरम पानी, हाँ ठीक है। तो गाइज आप पता है कितना बज रहा है, सच बताओ आपको, रात के 3 बज रहे हैं, मतलब पिछले 3 घंटों से, 3-4 घंटों से मैं यहीं बैठा हूँ। फाइल करप्ट हो गई थी पूरी, फिर से हमने निकाली बैठ के, और साथ साथ पूरा साथ निभा रहे हैं अंकित भाई, वो देखो तो यहीं बैठ के सारा काम कर रहे हैं हम लोग। फाइनली वीडियो डल गई है और आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत मेहनत होगी, पता है कब सोएंगे कल दोबारा से, मतलब उठ के। अब तक आप मतलब देख चुके होंगे हमारे 3 या 4 एपिसोड देख चुके होंगे अभी तक, तो
कल्पा का वीडियो भी, अब कल्पा कल सुबह शूट करना है तो बस सोने जा रहा हूँ, जितनी भी नींद होती है होती है। तो काफ़ी मेहनत लग रही है यार, मतलब सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, ऐसे और वीडियोस आते तो शेयर करते रहना। अनटिल वी मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, बाहर ना -6 degrees है, -6 degrees, तो अगला वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। बाय बाय बाय। About me one more time before you go. So